विभाग के मेरे सभी सहयोगीगण, उपस्थित प्रेस के मेरे सभी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मेरे सहयोगी साथीगण, मध्य प्रदेश सरकार का बजट आज प्रस्तुत हुआ है। जनता की भावनाओं के अनुरूप देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने वाला और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने वाला आज यह बजट प्रस्तुत हुआ है। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट आज प्रस्तुत हुआ है, जनहित का बजट, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सभी वर्गों का इसमें विशेष तौर से ध्यान रखा है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, विशेष तौर से चाइल्ड बजट, सारी बातों का समावेश करते हुए आज ये बजट प्रस्तुत हुआ है। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने बजट को सुना ही नहीं। उनको यह अंदेशा था कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट बहुत ही जनोपयोगी बजट आने वाला है और हमने सभी विभागों को एक अच्छी राशि आवंटित की है और इसी बात से मुझे लगता है कि वो बौखलाहट में आज उन्होंने पूरे बजट भाषण में शोर मचाया। यह एक अच्छी परंपरा नहीं है, बजट को सुनना चाहिए था। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जनता का अटूट विश्वास है उस सरकार पर और जितने विकास के काम हुए हैं और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं इस सरकार में चली है, शायद मुझे लगता है कि पहले कभी नहीं हुआ। और बीच में हम आपको सबको ये जानकारी है कि बीच में जो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में योजनाएं चलाई थी, पिछले जो सरकार बैठी 15 माह में, उन्होंने तो उन योजनाओं को बंद करने का काम किया। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि फिर वो योजनाएं सब फिर से चालू हुई है। आज का बजट 2,79,237 करोड़ का बजट आज प्रस्तुत हुआ है और मोटे मोटे मैं कहना चाहूंगा कि जैसे शिक्षा में 4,43,769 करोड़ का बजट शिक्षा में दिया है, स्वास्थ्य में 13,642 करोड़ का बजट प्रावधान किया है, जल जीवन मिशन, हम सबको मालूम है कि घर घर नल पहुंचाने का, घर घर जल पहुंचाने का जो अभियान है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश की सरकार में एक बड़ा प्रावधान हुआ है, 6,300 करोड़ का प्रावधान हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में बहुत बड़ा प्रावधान हमने इस बजट में किया है, 10,000 करोड़ का। कृषि में 40,900 करोड़ का, ग्रामीण विकास में 21,300 करोड़ का, ऊर्जा में 23,000 करोड़ का, नगरीय विकास में
भी बहुत बड़ा बजट हमने प्रावधानित किया है, विशेष तौर से चाइल्ड बजट, जिन जिन विभागों में 18 वर्ष से कम आयु के हमारे जो युवा हैं उन योजनाओं के लिए हमने पर्याप्त राशि आवंटित की है और प्रावधान किए हैं उसमें। इतना बड़ा संकट पिछले 2 वर्षों से रहा है, कोरोना संकट, हम सब साक्षी हैं उसके लिए कि इतना बड़ा संकट होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने विकास के काम न रोके, जन कल्याणकारी योजनाएं बराबर चालू रखी। जब जब संकट आया, किसानों पर भी आया, तब तब सरकार उनके साथ खड़ी रही, हर मुसीबत में सरकार साथ में खड़ी रही। जीएसडीपी का भी ग्रोथ हमारी बढ़ी है, बाकी पूरे देश में सभी प्रदेशों से मुझे लगता है कि काफी आगे बढ़े हैं। और कुल मिलाकर के आज बजट प्रस्तुत हुआ है, यह जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप है और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पनाओं को यह बजट पूरा करेगा। हर नागरिक की भावना के अनुरूप यह बजट है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार में यह बजट बहुत ही जनता के हितैषी बजट रहा है। अब मुझे लगता है कि पावर प्रेजेंटेशन हमारे डायरेक्टर बजट करेंगे। नाम बता देंगे आप? तीर्थ दर्शन योजना बंद की थी, संबल योजना बंद की थी, मुख्यमंत्री कन्यादान बंद की। मंत्री जी, ये हम प्रश्नोत्तरी पे अभी 2 मिनट में आते हैं, कुछ जानकारी आपको डायरेक्टर बजट और दे दें, उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं। जी, थैंक यू सर। नमस्कार, आज बजट 2022-23 के प्रस्तुतिकरण में सभी को स्वागत है। कुछ इम्पोर्टेंट आंकड़े आज आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। 2022-23 के बजट अनुमान में हमारा विनियोग राशि कुल 2,79,237 करोड़ रहेगी और शुद्ध व्यय 2,47,715 करोड़ रहेगी। इस पिछले बार से ये इनोवेटिव स्ट्रैटेजी स्टार्ट किया था, जिसमें जनता की सहभागिता को, उनके सुझावों को भी अपने बजट में शामिल करने के लिए इस साल उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया है। लगभग 2,571 लोगों का सुझाव प्राप्त हुआ है, इन सुझावों को भी बजट में शामिल करने के लिए प्रयास हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रथम बार चाइल्ड बजट बनाया गया है, तो इसमें मूल उद्देश्य यही है कि राज्य सरकार की जो नीतियां हैं और कार्यक्रमों हैं उसके निर्माण और क्रियान्वयन के समय बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उसको केंद्र बिंदु बना के रखना। तो ऐसे योजनाएं जो चाइल्ड सेंट्रिक है उनकी प्रावधानों को दर्शाते हुए चाइल्ड बजट बनाया हुआ है। लगभग 57,800 करोड़ का जो राशि है उसमें से निकल के आई है। तो इसमें हमने यूनिसेफ की डेफिनेशन को अपनाया है चाइल्ड के लिए। तो यूनिसेफ का डेफिनेशन ये है कि 18 से कम आयु वर्ग के समूह को चाइल्ड माना गया है। ये कुछ मुख्य राजकोषीय स्थिति से संबंधित आंकड़ों पे हम देखने वाले हैं। 2022-23 में राजस्व घाटा 3,736 करोड़ अनुमानित है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद का 4.56% अनुमानित है और हमारा कुल बकाया परादेय ऋण जीएसडीपी का लगभग 30% के आसपास अनुमानित है। हमारे कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान 11.36% अनुमानित है। हमारे बजट के 22-23 में जो कुल प्राप्तियां हैं वो 2,49,000 करोड़ रहेगा, जो पिछले साल के 2,15,000 करोड़ से लगभग 15% बढ़ गए हैं। पूंजीगत प्राप्तियां 53,972 राजस्व प्राप्तियां 1,95,180 करोड़ रहेगी और पूंजीगत प्राप्तियां 53,972 करोड़ रहेगी।
हमारा कुल व्यय 2,47,715 करोड़ रहेगा। ये पिछले साल के तुलना में 14% अधिक रहेगी। राजस्व व्यय 1,98,916 करोड़ और पूंजीगत व्यय 48,800 करोड़ रहेगी। पूंजीगत व्यय हमारे पिछले साल के बजट के तुलना में 11% अधिक रहेगा। ऐसे हमारे राजस्व घाटा 3,736 करोड़ है, अनुमानित है। कुल प्राप्तियों में हमारा जो बाइफरकेशन है उसको यहाँ पे हम बता रहे हैं। राज्य कर लगभग 72,860 करोड़ है, जो पिछले साल की तुलना में 12% वृद्धि दिख रही है। केंद्रीय करों में हिस्सा में हम लोगों को इस साल लगभग 64,000 करोड़ मिलने की संभावना है। करेतर राजस्व में 13,600 करोड़, जो पिछले साल की तुलना में 16% अधिक है, अनुमानित है। केंद्र से सहायता अनुदान में 44,500 करोड़ के लगभग अनुमानित है। तो हमारे इसमें लोक ऋण जो शुद्ध रहेगा वो 51,829 करोड़ है और लोक लेखाओं से शुद्ध प्राप्तियां 2,118 करोड़। ये जो राज्य के स्वयं के कर होते हैं उसकी ब्रेकअप है यहाँ पे, तो जीएसटी, बिक्री कर, प्रवेश कर, ये सब शामिल करके लगभग 42,000 करोड़। अनुमानित है, ये पिछले साल के तुलना में 11% अधिक है। राज्य उत्पाद शुल्क में 13,255 है, ये 350 करोड़। वाहन कर 3,700 करोड़, भू राजस्व 1,200, विद्युत कर 3,300, ये ऐसे कुल मिला के हमारा लगभग बहुत 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of rupees 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get results.